चुके हैं और स्टार्टिंग में फाइट लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किसके पीछे पड़ चुके हैं, दैट इज गोइंग टू बी मेडल और विंचेस्टर के साथ नॉक किया है। आउच, और उन्होंने पिस्टल चलाई थी। आउच, व्हाट इज हैपनिंग। जिंदगी का एक ही मकसद है बदला, नूप को बचाने के लिए। एक कवर में रखा जाएगा नूप को और शैडो जाएंगे आगे बचाने के लिए। दूसरी तरफ ऑनकोर को भी रिवाइव दिया जा रहा है। दो अंक तो ऑलरेडी हासिल किए जा चुके हैं टॉप डॉग के नाम के, जो कि पावर प्ले के अंदर मिलते हैं। लेकिन अब शैडो का आगे बढ़ना, पैराडॉक्स, ही हैज एन उजी एंड इट्स गोना बी एन उजी वर्सेस उजी फाइट। इनके आगे जाकर के स्पॉट कर पाएंगे, पैराडॉक्स समझ चुके हैं कि हाँ कोई ना कोई दिखेगा। बट शैडो शायद टीपी भी ले रहे हैं उस जगह पर, नहीं वो ध्यान ही नहीं है उनका बिल्कुल भी अनजान। लेकिन वहीं पे आप देखिए काफी करीब आए निंजा बॉय। शैडो तो सिर्फ एक बहाना बने थे, असली विलन निंजा बॉय बन के निकले हैं। जी हाँ, वो एक ऐसी परछाई थी जिसने पूरा ध्यान खींचे रखा टीम मेडल का, और अब देखिए अपने प्लेयर्स को भी रिवाइव। तो कहीं ना कहीं इस मैच में से कुछ अच्छा लाभ उन्हें उठाना पड़ेगा ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के। शैडो इन द मीनवाइल, तक वो पुश एग्जैक्ट हुआ नहीं, जी अब हुआ, हो जाएगा। और बाकी टीम भी आ रही है, नूप के हाथ में ग्रेनेड, ऐश को रिवाइवल मिला जरूर है जी। खुद के लिए फर्स्ट एड लगाई, प्रदीप ने भी खुद को मेडकिट के साथ हील किया। स्मोक्स किए जा रहे हैं, विजन ब्लॉक करने के लिए होते हैं सारे स्मोक्स, ताकि प्लेयर्स एकदम से अंदर जब आए तो उनको एंगल्स ना मिले। लेकिन एक ग्रेनेड निंजा बॉय का आया ऐश के ऊपर उसी मूवमेंट पे जैसे ही वो आगे गए। ही ऑलरेडी न्यू एट दैट मोमेंट कि सिचुएशंस खराब हो चुकी थी, बिलीव इस समय बचे हुए हैं, ये खराब हो सकता है। ओजी वंस अगेन माइट जस्ट बी ऑन द रॉन्ग रोल एज ग्लोबल ईस्पोर्ट्स चार्जिंग, और ये चार्जिंग ऐसा है, ये चार ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के खिलाड़ी बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक हैं। एके ओपी यहां से चलते बने, ही डजंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। पिस प्रेज मारे जा रहे, अब तो ओपन में देख लिया, शॉट देने की कोशिश, बड़े बड़े शॉट्स यहीं पे पड़ गए, ये उनके लिए काफी, उनको काफी खराब लगा होगा। लेकिन इस समय खत्म किया जा सकता है एके ओपी को। ओपन में रुके हैं लेट के, उस पेड़ के पास एक खिलाड़ी, पता चल चुका है शैडो आगे जा रहे हैं, परफेक्ट कवर देने का टाइम निंजा बॉय का। शैडो मूविंग फॉर द फोर्थ फिनिश फ्रॉम ओजी साइड, और टीम के लिए छठा फिनिश, उसके लिए मूव कर रहे हैं। एकेओपी को स्पॉट किया जा चुका है, सीधा बाहर निकल करके फाइट लेना चाहेंगे। M4 का इस्तेमाल, थोड़े बहुत शॉट्स लिए, एक ग्रेनेड वहीं से नीचे से डालना चाहेंगे, इफ दैट इज गुड। और बैक एंड पे टीम भी आ चुकी है, द बैकअप हैज अराइव्ड। ओ जी बहुत सारी मुश्किलों में, इतनी मुश्किलों में यहां से निकलना पड़ेगा, दिल दहला देने वाला मंजर है ये। जी हां, एकेओपी अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां पे भी खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं निकबा गेमिंग के, तो मुश्किलात है एकेओपी को। यहां पे कुछ अपने पुराने जलवे दिखाने होंगे, एकेओपी सुनाई दे रही है उनको, बट ये एकेओपी को पता चल चुका बस कुछ ही देर के मेहमान थे, नूब निकालेंगे आखिरी फिनिश। और इसी के कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा लो है, एक अच्छे गेम की दरकार रहेगी नहीं, बट ग्लोबल ईस्पोर्ट्स आ चुके हैं वापस से फाइट में शामिल होते हुए, एक नॉक जरूर निकाला है और दूसरे प्लेयर को काफी ज्यादा डैमेज दिया है, काफी ज्यादा मुश्किलों में लेकर के आए हैं। हालांकि अब समझना पड़ेगा एंटिटी को कि कैसे बच के निकले। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स इज लाइक फाइट तो लेंगे, कुछ भी हो जाए फाइट तो लेंगे। एंड नाउ दे आर ऑन अ हंट देमसेल्व्स, K47 नहीं बच रहे। एक के बदले एक, ऑलरेडी ग्लोबली आई लव दिस, बोले तैयार है। और ये इस टूर्नामेंट की कहीं ना कहीं आप बोलिए एक नई कहानी लिखी जाएगी, हर कोई अपने लिए खिताब लेने के लिए तैयार है। सीक्रेट गए, एक और खिलाड़ी गया, ग्लोबली स्पोर्ट्स अलग है। और को टेक डाउन करने की कोशिश, कारण के ऊपर स्विच किया है, इंस्टेंटली टेक डाउन करेंगे क्या ये फाइट में, स्कॉट के सहारे निकलेगी, एक पत्थर के सहारे फाइट की कोशिश, काफी कम एचपी हो चुकी है, जोकर के अगेंस्ट फाइट ली जा रही है। और आप देखिए फ्लाइट के खिलाड़ी के, ये दो टीम, एक ब्लाइंड और एक ग्लोबल ईस्पोर्ट्स है, गाड़ियों से इनका क्या प्यार है। स्काउट दिख रहे हैं बिल्कुल सामने, आई थिंक सो, और ये स्काउट का ऑप्टिमम रेंज है राइट, अगर यहाँ से फाइट लेते हैं तो स्काउट आमतौर पर स्प्रेज नहीं मिस करते, बट टीम एक्सपा को हमने देखा इवन इन द पास्ट अगर मुसीबतों में रहते हैं वहाँ से भागना प्रेफर करते हैं, बट ये कुछ फिनिशेस दे बैठे हैं ड्रीम्स को वापस से गंवाना, एंड कहीं ना कहीं आदित्य के जगह पे आए हैं ड्रीम्स, जो अभी तक टीम के अंदर आप बोल सकते हो सबसे लेटेस्ट एडिशन रहे। टीएमएस के दौरान उनका प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं था, निंजा बॉय स्काउट ने पिछली बार मान्या को एक के साथ नॉक किया था, अब निंजा बॉय कोशिश कर रहे हैं, एक शॉट के बस मेहमान रह चुके हैं स्काउट, और किसी भी हाल में गिरते पड़ते सर्कल के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। एंड दिस प्लेयर ही नेवर एक्सेप्ट्स डिफीट राइट, आप बात करिए काफ़ी टाइम से, जब मैं भी एज अ प्लेयर था तब से ये खेल रहे हैं और एक ही तलाश में।
ओजी भी लेकिन एक नॉक के बाद पुश नहीं कर सकती, बहुत ओपन एरिया से उनको आना पड़ेगा। ऐसे में ग्लोबल ईस्पोर्ट्स उनको पकड़ती नजर आ सकते हैं और ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को आगे जाना है। ज़ोन कट चुका है, बन चुका है बिलीव, इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश, खुद को सेफ रखेंगे, डिप का अच्छा इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, एक ग्रेनेड करना चाहते हैं। अगर स्प्लैश डैमेज शैडो पर पड़ गया वो अभी भी पिक किए जा सकते हैं। द ग्रेनेड इज देयर, शैडो ने खुद को हील किया, बचे जरूर, बट पीछे से एश का भी एक अच्छा कवर आ सकता है। शैडो किस प्रकार से सर्वाइव कर पाएंगे, यूएमपी लेकर के जा रहे हैं और एश को स्पॉट किया, लेकिन क्या वो पास वाले धमाके बिलीव से अवगत है अभी या नहीं। विस्गॉट भी आ गया, अच्छे विस्गॉट बगी लेकर के आए थे, शॉट्स लिए लेकिन वो एक डिस्ट्रैक्शन थे, हालांकि बिलीव को डाउन किया है, बट विस्गॉट शैडो को करेंगे नॉक, बिलीव को बचाना पड़ेगा कुछ भी करके जल्द से जल्द, क्योंकि टीम मेडल ईस्पोर्ट्स भी यू नो गोलियों की गूंज सुन के वो भी शामिल होना चाहते हैं इस फाइट के अंदर। आखिरी प्लेयर बस बचे हैं नूब, देखते हैं फर्स्ट एड है, चार फर्स्ट एड्स है, इसका फायदा ट्रू रिपल्स उठा के यहाँ से निकलना ही चाह रहे थे, बट देखिए नूब को स्पॉट भी किया, उन्हें फिनिश भी किया, एक छह टीमें इनफैक्ट हमें टॉप उसके अंदर चिकन डिनर्स लेकर के बैठी हुई नजर आ रही है, दिखा यहाँ पे एक्चुअली असली रिपोर्ट कार्ड देखने को मिलेगा। गॉड्स रेन ना सोचे कितना बड़ा फैक्टर बन जाएगा, बट ऑन द अदर साइड ओह माय गॉड वाह।